दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी लंबाई किसी कारण से रुक गई है, तो आज हम आपको हाइट बढ़ाने के ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप अपनी लंबाई को मात्र कुछ महीनों में ही बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज के समय तो आप विज्ञान की मदद से अपने शरीर में कई तरह के बदलाव कर सकते हैं, लेकिन सबसे मुख्य बदलाव जिसे लगभग सभी लोग करना चाहते हैं वह है आपकी हाइट। लंबाई आपके लुक को काफी इफेक्ट करता है। लंबाई आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाती है। इस वजह से जिन लोगों की लंबाई कम है वह लगभग सभी लोग अपनी लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हाइट भी कुछ महीनों में बढ़ जाए तो मेरे इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना, और जैसा जैसा मैं आपको बताऊंगा अगर आप वैसे ही नियमों का पालन करोगे तो 100% चांस है कि आपकी हाइट बढ़ जाए। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जबकि उनकी उम्र 18, 21 या 25 हो जाती है तो उनकी लंबाई नहीं बढ़ सकती है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन आज के समय ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। आपकी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी 90% आपके जीन्स पर निर्भर करता है। मेरा मतलब है कि आपके माता पिता की लंबाई पर निर्भर करता है कि आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपकी हाइट आपके माता पिता के बराबर होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके माता पिता की लंबाई कम हो और आपकी लंबाई उनसे ज़्यादा हो जाती है, पर कुछ मामलों में लोगों की लंबाई अपने माता पिता से कम रह जाती है। दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया होगा कि हाइट बढ़ाने के 90% चांस आपके माता पिता की लंबाई पर निर्भर होते हैं, लेकिन बचे हुए 10% से आप अपनी आदतों, एक्सरसाइज और पोषक आहार लेकर अपनी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। आदत से मेरा मतलब है कि आपको अपने चलने और बैठने के तरीकों को बदलना होगा। कई लोग झुक कर चलते हैं जो उनकी लंबाई बढ़ने पर बाधा डालती है। बैठते समय भी लोग यही करते हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठते हैं तो आपको हमेशा सीधा होकर बैठना चाहिए। आपको बता दें कि यह वैज्ञानिकों द्वारा प्रूव हो चुका है कि झुक कर चलने या बैठने से हाइट बढ़ने पर बाधा आती है। अगर आप भी झुक कर चलते हैं तो आपको ये आदत आज ही छोड़नी होगी। झुक कर चलने से आपकी रीढ़ की हड्डी समय के साथ दबती जाती है, जबकि सीधा बैठने और सीधा चलने से रीढ़ की हड्डी हमेशा स्ट्रेच रहती है, मतलब आपकी हड्डी पर किसी तरह का दबाव नहीं पड़ता है। अगर आपको लंबाई बढ़ाना है तो आपको सीधा होकर चलने या फिर सीधा होकर बैठने की आदत डालनी होगी। और दोस्तों, खान पान आपकी हाइट पर काफी प्रभाव डालता है। अगर आपका खान पान सही है तो आपकी लंबाई बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोटीन से आपके शरीर के मसल और टिश्यू बनते हैं, और इसके चलते प्रोटीन को हाइट बढ़ाने में सबसे असरकारी माना गया है। इसलिए आपको अपने खान पान में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना होगा। दूध कैल्शियम और प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। अगर आप मांसाहारी हैं तो आपके पास प्रोटीन के काफी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मछली, मीट, अंडा, दूध आदि। अगर आप शाकाहारी हैं तो सोयाबीन आपके लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्स है। हमारे देश में सोयाबीन की कमी नहीं है। लगभग हर राशन की दुकान में आपको सोयाबीन आराम से मिल जाएगा। लंबाई बढ़ाने के लिए आपको मिनरल्स की भी बहुत जरूरत पड़ जाती है, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। फलों के मामले में बनाना यानी केला सबसे अच्छा मिनरल्स सोर्स है। इसका स्वाद भी काफी अच्छा होता है और यह आपकी हाइट को बढ़ाने में काफी मदद करता है। इसलिए आपको अपने खान पान में केला जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आप हरी सब्जी खाओगे जैसे साग, तो आपको डाइट्री फाइबर भी मिलता है जो आपके HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ लंबाई बढ़ाने के कुछ एक्सरसाइज। लंबाई बढ़ाने के लिए पुलअप एक्सरसाइज काफी अच्छा काम करती है। अगर आप डेली पुलअप्स करोगे तो ये आपके कंधे, कलाई और पूरे हाथ को मजबूत करता है। पुलअप्स जैसी एक्सरसाइज करने के बाद आपके दिमाग के उस जगह गतिविधि होती है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि इस सिग्नल के कारण HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ा देता है। इसलिए यह एक्सरसाइज हाइट बढ़ाने में सबसे बेहतरीन तरीका। एक्सरसाइज के मामले में हैंगिंग एक्सरसाइज यानी लटकने वाली एक्सरसाइज आपकी लंबाई को बहुत कम समय में बढ़ा सकती है। दुनिया के कई बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि धरती की ग्रेविटी आपकी लंबाई पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर आप लटकने वाली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी लंबाई पर पड़े नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम कर देती है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि कितनी देर तक लटकना जरूरी है। ये तो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आप जितने ज्यादा समय तक लटकोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको खान पान में पोषक आहार लेना है,
आपको उन्हीं आहारों को लेना है जिनमें प्रोटीन और कैल्शियम की अच्छी मात्रा हो। दोस्तों अभी मैं आपको एक और बात बताऊंगा, शायद सुनकर आपको यकीन ना हो, लेकिन जितना ज्यादा आप सोएंगे उतनी ही ज्यादा आपकी हाइट बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस हार्मोन से हमारी हाइट बढ़ती है वो हार्मोन जब हम सोते हैं तभी रिलीज होती है। इसलिए आपको रोजाना लगभग 7 से 8 घंटा तो जरूर सोना चाहिए, इससे आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है। दोस्तों अगर आप हाइट बढ़ाने के सारे नियमों का पालन करते हैं लेकिन आप 7 से 8 घंटा नहीं सोते हैं तब आपकी हाइट ऐसे में कभी नहीं बढ़ेगी। इसके लिए रोजाना 7 से 8 घंटा सोना जरूरी है। और दोस्तों कभी भी आप कुर्सी पर झुक कर नहीं बैठे। बहुत से लोग लंबाई बढ़ाने के लिए दवाई का सहारा भी लेते हैं। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक दवा अश्वगंधा आपकी लंबाई बढ़ाने में काफी मदद कर सकता है। ये दवा आपको पतंजलि के स्टोर पर भी मिल जाएगी। अगर आप किसी नशे का सेवन करते हैं तो आपको उसे तुरंत ही छोड़ना होगा, क्योंकि नशा लंबाई पर गलत प्रभाव डालता है, इससे बढ़ती हुई लंबाई भी रुक जाती है। आपको तो पता ही होगा कि हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा पानी से बना है। अगर आप लंबाई बढ़ाना चाहते हो तो आपको लगभग एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी आपकी सेहत को और भी ज्यादा फायदा देता है। एक्सरसाइज में आपको हर रोज अपनी क्षमता के अनुसार लटकना चाहिए, इससे मसल्स और हड्डियों पर खिंचाव आता है जो आपकी लंबाई को बढ़ाने के लिए काफी जरूरी है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि हाइट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर दोस्तों आपने इन नियमों का 1 से 2 महीने भी पालन कर लिया तो आप खुद ही मेरे इस वीडियो पर आप वापस आके कमेंट करोगे कि हाँ सर मेरे हाइट में कुछ फर्क आया है। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की जरूरत है। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे MTD न्यूज चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साइड में दिया हुआ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ।